बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सभी बहुत खुश होंगे। आप देख रहे हैं सुभान फूड सीक्रेट्स यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आयशा। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए इतनी जबरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ कि आप इसे एक बार बनाएंगे तो आपका दिल इसे बार बार खाने को करेगा। आप इसे हल्का फुल्का नाश्ता भी कह सकते हैं। इस रेसिपी की सबसे खास बात यह कि ये बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ज्यादा बनके तैयार हो जाएगी। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए आपका टाइम जाया किए बिना जबरदस्ती रेसिपी की तरफ चलते हैं। इस जबरदस्ती और इजी रेसिपी को बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए होंगे 4 अदद हमारे पास उबले हुए अंडे हैं और इनको यहाँ पर हम फॉर्क की मदद से जबरदस्त सा मैश कर लेंगे। अगर आप इसे ग्रेट करेंगे तो ये बहुत बारीक बारीक से पीस हो जाएंगे जो कि अच्छे नहीं लगेंगे। अंडों को बहुत जबरदस्त सा मैश कर लिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मोटे मोटे से इसमें पीसेस नजर आ रहे हैं। ये जायके में भी बहुत जबरदस्त लगते हैं और खूबसूरत भी बहुत लगते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर ये हमारे पास बारीक कट किया हुआ हरा धनिया है, ये मुझे तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। ये हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर काली मिर्च का पाउडर है, इसमें कोई ज्यादा स्पाइसेस नहीं जाएंगे और 1/4 टीस्पून ही इसमें सिर्फ नमक जाएगा बस। मायोनीज ऐड करेंगे यहाँ पर हम इसमें 3 टेबल स्पून के बराबर, हमारे पास गार्लिक मायो है, आप कोई भी सी भी यूज कर सकते हैं। और अच्छे तरीके से यहाँ पर हम इसे मिक्स करेंगे और इसका जबरदस्त सा एक स्मूथ सा डो तैयार कर लेंगे। ये ले जी अल्हम्दुलिल्लाह एग मायो सैंडविच की जो स्टफिंग है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी हुई है, सैंडविच बनाने की तरफ चलते हैं। और अब हम यहाँ पर लेंगे ब्रेड के कुछ स्लाइसेस, इसकी यहाँ पर हम साइडें सबसे पहले रिमूव करेंगे। इनके ऊपर यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके से मेल्टेड बटर अप्लाई करेंगे। बटर को लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर ये स्टफिंग रखेंगे जो कि हमने तैयार करके रखी हुई थी, अच्छे तरीके से हम इसे फैला देंगे। यहाँ पर आप इसकी मर्जी से फिलिंग कर सकते हैं कम या ज्यादा। अब दूसरा स्लाइस इसके ऊपर हम अच्छे तरीके से कवर कर देंगे। ये देखिए एक एग मायो सैंडविच जो है वो बिल्कुल तैयार है, इसे बिल्कुल सेंटर में से हम कट कर लेते हैं और इसी तरीके से हम सारे तैयार कर लेते हैं और फाइनल लुक की तरफ चलते हैं, फाइनल लुक को मिस मत करिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं एग मायो सैंडविच हमारे जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। आप लोगों को लगी हो बेवकत की भूख तो आप इसे फौरन से फटाफट से 1 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। आप लोग इसे इंजॉय करें चाय के साथ, ये बहुत ही टेस्टी और कमाल की रेसिपी है। रमजान है तो आप लोग इसे इफ्तार पार्टीज में जरूर बना के रखिएगा, ये हर तरह से बहुत ही टेस्टी और कमाल के लगने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल सुभान फूड सीक्रेट पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, दुआओं में मुझे याद रखना है। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, यूं ही आप हमारे साथ साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।